नुपुर अस्थाना जो आपके डायरेक्टर उनकी बात करते हैं जी, ये उनकी पहली फीचर फिल्म है, उन्होंने काम किया है पहले बट फीचर फिल्म है उनकी पहली फिल्म जी। हाउ इज इट वर्किंग विद हर? आई थिंक नुपुर हैज अ वेरी स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑफ व्हाट द यूथ वांट्स। शी हैज बीन डूइंग यूथ सेंट्रिक वर्क फॉर अ व्हाइल, व्हेदर इट वाज हिप हिप हुरे, व्हेदर इट वाज माहीवे एंड नाउ आवर मूवी, शी हैज अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट लाइज इनसाइड द हार्ट ऑफ द यूथ। So she's, you know, a really good person to work with like that because she knows. And she's, you know, young and she's connected. She's not, you know, she's not like someone who doesn't know what's going on in colleges right now. She's connected like that. And she's also very clear about what she wants, which is a good thing. You know, when your director knows that this is what I want, this is what I don't want, that's excellent. Makes your work, you know, cuts it to half. Cuts it, yes. So she had, there's a lot of clarity there. So, yeah. Right. आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जब मैंने पिक्चर साइन की तो मैंने पूछा जी डायरेक्टर, इसीलिए नुपुर अस्थाना करके डायरेक्टर है। सो मैं IMDB पे गया एंड आई टाइप्ड हर नेम नुपुर अस्थाना जस्ट टू सी एंड आई सॉ हिप हिप हुर्रे एंड आई वेंट क्रेजी। आई वाज लाइक ये मैंने शो, आई ग्रू अप ऑन दिस शो एंड शी इज डायरेक्टेड इट एंड शी कुड अंडरस्टैंड व्हाट द यूथ वॉन्टेड 10 years बैक। तब उसने यूथ को इतना कूल दिखाया तो आज तो यू कांट इवन क्वेश्चन इट कि आप ये नहीं बोल सकते अरे नुपुर ये कैसे। शी understands the youth completely. The right. film, sir, you, there's so much Facebook in the film, so many elements, so many characters. Aapko lagta hai, how everything's coming together is just brilliant. Right, right. And how's it working with her? Brilliant, sir. I told her that day ki agar aap nahi hote, toh main picture kar hi nahi sakta tha. I'm indebted to her in the way ki she's got this out of me. Because I'm not a trained actor, sir. I wasn't. बट जब उसने मुझसे कराया कुड रियलाइज किया यार ये मैं कर सकता हूँ। शी मेड मी बिलीव द फैक्ट कि यस यू आर दिस गाय, यू कैन पुल दिस ऑफ एंड आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू हर फॉर दैट। टेल मी वन थिंग, आपके साथ जो को-स्टार्स हैं सारे जी, वो सारे नए चेहरे हैं जी। आपके डायरेक्टर की भी पहली फिल्म है, मानता हूँ आपके प्रोडक्शन हाउस बहुत एस्टेब्लिश्ड है जी, बहुत रिस्पेक्टेड है, बट जिनके साथ आप काम कर रहे थे जी वो टोटली न्यू एनवायरमेंट था। डिड यू मिस आउट ऑन सम एक्सपीरियंस को-स्टार्स और That was I think that was our USP, that everyone One was new and for. Everyone was there to prove something and give something new and fresh. This is their first shot at something yeah. and you know your first shot is usually the shot. You make the it or shot. You break it, you know what I mean? Yes. So this was it and for everyone it was that. I'm here to prove myself. I'm going to do it right and do it so right. So in that sense, the energy was so alive high. And alive. So it was really, I think I wouldn't like change it. For anything. And for all anything four of us bonded very well, sir. They, मतलब हम मिलके आराम से in the vanities also, wherever we were shooting, हम अपने script से we used to go through, talk, ki, we used to advise each other, ये ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, just to bring out the best for the film. Energy levels are very, very high on the film. You know, आजकल newcomers की, नए चेहरों की बाढ़ आई है. You know, I keep hearing that आज की तारीख में ऑडिशंस पे या फॉर दैट मैटर फिल्मी ऑडिशंस में के लिए भी बहुत बहुत न्यूकमर्स कास्ट बहुत न्यूकमर आते हैं और ऑफ कोर्स जो आउटलेट्स हैं जो प्लेसेस जो ओपनिंग्स हैं वो बहुत कम हैं। इस हवाले से आप क्या सोचते हैं? हाउ डू यू लुक एट द कंपटीशन अराउंड यू? आई थिंक द मोर द मैरियर। या यस, बिकॉज आई थिंक देयर इज अ सर्टेन नीड, जरूरत है फ्रेश फेसेस की, सबके लिए जगह है और जगह बहुत है और इतनी अलग अलग किस्म की फिल्में बन रही हैं कि बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत भी है और आनी चाहिए ताकि मोर द कॉम्पिटिशन द हायर द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस बेटर एंड बेटर विल कीप गेटिंग। ज़्यादा फिल्में बननी चाहिए, ज़्यादा एक्टर आने चाहिए ताकि द लेवल कीप्स राइजिंग। सो देयर इज मोर कॉम्पिटिशन, देयर इज मोर पीपल फाइटिंग फॉर द सेम रोल। सो अनलेस यू रियली गुड यू नॉट गोइंग टू गेट इट। सो आई थिंक इट्स बेटर, मोर द मेरियर, डेफिनेटली।